हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुरु। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा, दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूँगा। नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। जैसे ही नोट्स रेडी हो जाएंगे मैं आपको सेंड करवा दूँगा। स्टार्ट करता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है विच टू डिफरेंट सेक्स गेमेट्स आर फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बोलना चाहता है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो अलग अलग सेक्स गेमेट्स, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो दो पेरेंट्स से नई संतति कोशिकाओं का बनना, नए जो बच्चे बनते हैं उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग सेक्स गैमेट्स, मतलब मेल के अंदर स्पर्म सेल पाया जाता है, फीमेल के अंदर ओवम पाया जाता है, ये दोनों अलग अलग, इनको मैंने क्या बोला, गैमेट्स बोला है। जब ये दोनों गैमेट्स मींस स्पर्म सेल और ओवम सेल आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी, ये नया सेल बनाएगी, बच्चा बनाएगी, जिसे जाइगोट बोलते हैं। सबसे पहले जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट आगे चल के सबदर डिवाइडेड हो जाता है, जुड़ती है, ऐसे जाइगोट का निर्माण कहते हैं। जाइगोट फर्टिलाइजेशन क्रिया भी हम इसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। देखो सीधा सीधा डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप डायग्राम देखो, इसमें बोलता है मेल सेक्स गेमेट्स, मेल्स जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर स्पर्म जिसे हिंदी में शुक्राणु पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर जिसे अंडा जिसे ओवम कहते हैं, ओवम रहता है। डायग्राम एक बार देख लो, देखो मेल स्पर्म सेल एक फीमेल सेल, ठीक है, दोनों डिफरेंट सेक्स गैमेट से जब आपस में फ्यूज करेंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बना, यहाँ पे बना आपका जाइगोट। फिर जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट आगे चल के मेच्योर होके बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से होगा निर्माण बेबी का। तो इस ओवरऑल फुल प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें मेल सेक्स गैमेट्स फीमेल दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो पहले मैं पढ़ाऊंगा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फिर डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, मैं दो पार्ट बनाऊंगा, पहला पार्ट ये है, इसका सेकंड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी दो नंबर में शॉर्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले देखते हैं फीमेल के अंदर क्या क्या, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी अंग, दो तरह के अंग होते हैं, एक तो बाहरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे दिखाई देंगे वो, और एक अंदर के ऑर्गन जो हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है। क्या क्या होता है एक्सटर्नल में, लेबिया मेजोरा, ठीक है, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, नाम आप ध्यान रखना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइम और सेल्टोरिस होता है, यूरेथ्रा होता है यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ वेजाइना और एनस तक ये टोटली फेलर रहता है। इनको पार्ट को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखते हो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या होती है वो समझो। लेबिया मेजोरा इज अ टू आउटर फोल्डेड स्ट्रक्चर, बोलना चाहता है दो मुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं, दे मेड अप हाई नंबर ऑफ सीबियस ग्लैंड। देखो लेबिया मेजोरा बाहर की ओर से दो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होते हैं या संरचना होती है, इसमें बहुत सारी सीबियस ग्लैंड, देखो डायग्राम में देखो, जो आउटर साइड पे जो बाहरी हुआ, जो बाहरी साइड पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मुड़ा हुआ, ऐसे फोल्डेड मसल का स्ट्रक्चर होता है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होती है, बाहरी की तरह फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसमें क्या पाया जाता है, सीबियस ग्लैंड। अगर आपको पता हो तो हमारी स्किन पे त्वचा के ऊपर सीबियस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि सीबम को प्रोड्यूस करती है। सीबम क्या होता है, एक ऑयली सा चिपचिपा सा सब्सटेंस पदार्थ होता है, जो कि हमें स्किन पे तक नमी को रोकता है। इसी टाइप से वेजाइना के आसपास जो लेबिया मेजोरा है ये प्रोड्यूस करती है सीबम, जो कि उसे नमी
प्रदान करती है, मतलब नमी प्रोवाइड करती है, हल्का सा मॉइस्चर वहाँ पे बना रहता है इनसाइड ऑफ वेजाइना के, ठीक है। इसी वजह से ये चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर को लेबिया मेजोरा बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ता हूँ मैं, लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा क्या होती है, लेबिया माइनोरा इज ऑल्सो टू फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये भी दो मुड़े घुमावदार स्ट्रक्चर होते हैं विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा देखो, पहले हमने क्या पढ़ी, बाहर की तरफ से थी लेबिया मेजोरा की एक फोल्डेड स्ट्रक्चर। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर आप देखोगे ना ये वाला, तो लेबिया माइनोरा आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो है बाहर वाला लेबिया मेजोरा का था और अंदर वाला लेबिया माइनोरा बोलेंगे उसको, वो भी दोनों की दोनों साइड फोल्डेड स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा भी दो मुड़ी हुई संरचना होती है। लेबिया माइनोरा मेजोरा के स्थित बीच में जो होता है स्ट्रक्चर, इसमें कई सारी जो सीबीएस ग्रंथियां पाई जाती उसमें भी सीबीएस ग्लैंड मिलेगी। लेबिया मेजोरा हमने जो पढ़ी और लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा के अंदर भी पाया जाएगा और लेबिया मेजोरा जो बताई थी उसके अंदर भी पाया जाएगा। तो दोनों के अंदर सीबीएस ग्लैंड होती है, सीबीएस ग्लैंड का काम होता है सीबम को बनाना, सीबम जो होता है मॉइस्चर रखता है वहाँ, उस जगह को रोक ही नहीं होने देता, सूखने नहीं देता, हमारी स्किन पे भी पाई जाती है सीबीएस ग्लैंड। क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिल्टोरिस क्या होती है, सिल्टोरिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ वेजाइना, इट हैज मेनी सेंसरी नर्व्स विच प्रोड्यूस अ सिग्नल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन। देखो डायग्राम में ये ऊपर की साइड पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आउटर साइड पे जो स्ट्रक्चर होता है एक पॉइंट होता है, एक बटन की तरह काम करता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सिल्टोरिस बोलते हैं। सिल्टोरिस क्या करता है, ये बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर जो कि डायरेक्टली कहा ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, जब इसको टच होता है या इसको अब सेंसरी नर्व्स होती है सेंसेशन करती है और सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करवाने में मदद करती है, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, सिल्टोरिस छोटी संरचना होती है जो कि वेजाइना के ऊपरी हिस्से भाग में पाई जाती है, वहाँ पर स्थित रहती है। यहाँ कई विभिन्न प्रकार की न्यूरोन्स नर्व सेल से मिलकर बनी होती है जो कि सेक्स हॉर्मोन्स बनाने के लिए सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है वेजाइना के सबसे अपर। तो ये था एक्सटर्नल पार्ट, अब हम आते हैं इंटरनल पे। इंटरनल आंतरिक जननांग, आंतरिक जननांग क्या होते फीमेल के अंदर वाले, देखो वेजाइना सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजाइना क्या होती है। वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। बोलना चाहता है वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर एक ट्यूब होती है जो कि चारों तरफ से स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। देखो आपने मेरी टिश्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले टिश्यू वाली देखो। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जिसे हम स्ट्रेचर खींच सके, स्ट्रेटिफाइड। इसी टाइप से जो वेजाइना की जो अंदर की ट्यूब है ना वो इजीली स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन शो कर सकती है, उसे खींचा जा सकता है फिर से वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू से वो सिंपली बनी होती है, ठीक है। आगे देखो, अपर एंड ऑफ वेजाइना इज कनेक्टेड विथ सर्विक्स एंड लोअर एंड ऑफ वेजाइना इज कनेक्ट विथ एनस। देखो डायग्राम में ये वाली जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, सबसे नीचे वाला भाग ये होती है वेजाइना, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला एंड है, यहाँ पे सर्विक्स से जुड़ा होता है, और सर्विक्स के ऊपर जाएंगे तो फिर यूटेरस आ जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर वेजाइना पहले समझ लो। तो वेजाइना सबसे लोअर पार्ट है, ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब होती है भैया, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। वेजाइना का ऊपरी भाग और निचला भाग एनस से जुड़ा रहता है, ऊपरी भाग जो सर्विक्स से और नीचे वाला भाग एनस से। देखो डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखो, आप बैक साइड पे जाता हूँ मैं, ये वाला डायग्राम है, ये वाला जो आपको पोर दिखाई दे रहा है ये वेजाइना वाला हिस्सा है, ठीक है। इसका ऊपरी वाला भाग जो अंदर से जुड़ा रहता है, अंदर जब जाती है तो कहाँ जुड़ा, सर्विक्स से गर्भाशय तक जाता है, बाहर वाला एरिया यहाँ पे एनस होता है, मलाशय जिसे कहते हैं। एनस के थ्रू क्या होता है कि जो भी स्टूल वगैरह बाहर पासिस होती है ये यहाँ तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जो वेजाइना वाला अपर भाग है सर्विक्स से कनेक्टेड है, लोअर वाला भाग जो होता है एनस तक जाता है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज 9 सेंटीमीटर।
जो लेंथ होती है वेजाइना की, जो लंबाई होती है 9 सेंटीमीटर लंबी होती है अंदर तक, और अंदर जाके फिर वहाँ से यूट्रस और सर्विक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बढ़ता हूँ, अब देखो नेक्स्ट पार्ट आता है यूट्रस, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अच्छे से समझना आप। यूट्रस इज अ होलो पियर शेप ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ पेल्विक कैविटी। जो फीमेल की जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। देखो गर्भाशय खोखला नाशपाती के आकार का, आपने नाशपाती देखा हो तो नाशपाती के आकार का होता है। यह पेल्विक कैविटी के अंदर धंसा हुआ रहता है। पेल्विक कैविटी जो पेल्विक ग्रिडल जो हमारी पेल्विस होती है उसके अंदर होता है, खोखली संरचना होती है, पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार का होता है। नॉर्मल वेट जो चौड़ाई होती है 4.5 से 6 सेंटीमीटर तक चौड़ाई हो सकती है, और जो इसकी लेंथ जो लंबाई होती है 7-9 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। गर्भाशय की चौड़ाई 4.5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, और इसकी लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक होती है। ये गर्भाशय की एक जनरल चीज़ है, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब इसमें देखो आप, पार्ट ऑफ यूट्रस के भी अलग अलग भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फंडस, फंडस होता है, फंडस क्या होता है? फंडस इज अ अपर पार्ट ऑफ यूट्रस विच इज फाउंड इन डोम शेप। डोम मतलब क्या होता है? फंडस बताता हूँ। फंडस गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, यह डोम आकृति का होता है। डोम का मतलब होता है जैसे हमारा सर है ऐसे, जो शिखर होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, शिखर ऐसे घूमे, ताजमहल के ऊपर जो देखा आपने डोम शेप का था, डोम मतलब समझते हो, डोम शेप का होता है। डोम शेप की आकृति का क्या होता है? डोम का मतलब वो ऐसे आकृति होती है। देखो डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये फंडस वाला भाग है। ये जो खोपड़ी वाला जो भाग है ना, ये फंडस वाला भाग होता है, ठीक है। ये फंडस वाला भाग होता है, ठीक है। दिस पार्ट इज कनेक्ट विथ फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, यह भाग फेलोपियन ट्यूब से जुड़ता है। देखो ऊपर वाले भाग आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाले भाग को मैंने फंडस बोला है। ये फंडस देखो, इधर जो ट्यूब जा रही है ये यूटेराइन ट्यूब कहते हैं। यूटेराइन ट्यूब को अपन फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक पास होके नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये वाला भाग होता है फंडस, ये यूट्रस का ही एक पार्ट है। अब नेक्स्ट चीज देखो बॉडी, इसकी बॉडी कौन सी होती है? बॉडी इज अ मिडिल पार्ट ऑफ यूट्रस विच इज अपर पार्ट इज अटैच टू फंडस एंड लोअर पार्ट इज अटैच टू सर्विक्स। देखो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो खोखला होता है ऊपर से कहाँ से जुड़ा हुआ? फंडस से चालू होकर नीचे कहाँ पे खत्म होता है? ये होता है सर्विक्स तक जाकर खत्म हो जाता है, क्लियर है? तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, बॉडी जो बॉडी होती है गर्भाशय के बीच वाला भाग होती है, और ऊपरी भाग फंडस से जुड़ा और निचला भाग सर्विक्स से, इसका भाग नीचे वाला भाग सर्विक्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सर्विक्स, अब देखो सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स इज अ लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस विच इज कनेक्ट विथ वेजाइना। जो नीचे वाला भाग है ना, ये सर्विक्स बोलूंगा, ये सर्विक्स वाला भाग कहां कनेक्टेड है? नीचे वेजाइना से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सर्विक्स गर्भाशय के निचला भाग होता है, जो कि यहाँ वेजाइना के द्वारा जुड़ा होता है। सबसे नीचे वाला भाग वेजाइना के थ्रू कनेक्टेड रहता है। लेयर ऑफ यूट्रस में तीन स्पेशल टाइप की लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ये पेरीमेट्रियम ऊपर वाली। मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम के अंदर मिडिल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे अंदर की साइड पे जो लेयर पाई जाती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट तीन लेयर है जो कि यूट्रस में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड यूटराइन ट्यूब, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। फ्रॉम जो फेलोपियन ट्यूब होती है, दिस ट्यूब फाउंड इन फिमरी। देखो ये जो एंड वाले जो इससे दिखाई दे रहे ऐसे उंगली जैसे आकार, ये फिमरी होती है। फिमरी का क्या काम होता है? ये एग को पकड़ती है, यहाँ से क्या करेगा, जैसे अंडा बनेगा उस अंडे को ओवरी में से कैच करेगी, और कैच करके वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में डाल देगी, यूट्रस के थ्रू वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यदि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है
तो क्लियर है। ओवरी, ओवरी के ऊपर वाला जैसा फिमरी होता है, फिमरी काई से जुड़ी होती है, फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। फेलोपियन ट्यूब के आगे वाले भाग में फिमरी पाई जाती है, यहाँ अंडे को पकड़ने का काम करती है। डायग्राम में देख लो, ऐसा ऐसा पकड़ लेगी अंडे को और वापस से यूट्राइन ट्यूब के अंदर डाल के फिर फेलोपियन ट्यूब से वहाँ से ले जाकर यूट्रस में डाल देती है और वो बाहर निकल जाता है। बैक साइड ऑफ दिस ट्यूब प्रेजेंट फंडस विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूट्रस। देखो अब जो यहाँ पे जो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से ख़त्म होकर फंडस तक ख़त्म होती है, फंडस तक जुड़ी रहती है, यहाँ पे जाकर ये ख़त्म हो जाती है। तो ये था आपका फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट देखिए ओवरीज। ओवरीज क्या होती है, देखो फीमेल में हमेशा दो ओवरी पाई जाती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओवरी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये अल्टरनेट फंक्शन करती है। अल्टरनेट का मतलब मैं बता दूं कि यदि राइट वाली ओवरी इस महीने अंडा बनाएगी तो लेफ्ट वाली नहीं बनाएगी, लेफ्ट वाली फिर अगले महीने बनाएगी। हमेशा अल्टरनेट फंक्शन करती, कभी भी एक ओवरी ही अंडा नहीं बनाती। देखो बताऊँगा, ओवरीज आर फीमेल गोनेट्स, गोनेट्स फीमेल गैमेट्स होता है विच इज़ प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाती है। ओवरीज क्या होता है, ग्लैंड है, ठीक है, जो कि सेक्रेशन करती है हॉर्मोन्स का, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ ओवम, अंडे का निर्माण भी ओवरी करती है। इसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे जो ओवरी दिखाई दे रही है ऊपर वाला फिमरी है, यहाँ से अंडा बनेगा, फिमरी पकड़ेगी, वापस से निकल के यूट्रस में जाकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। एवरी फीमेल हैज़ टू ओवरी विच ऑलवेज डू अल्टरनेटली फंक्शन। प्रत्येक महिला में दो अंडाशय होते हैं, यह हमेशा दोनों के विपरीत काम करते, एक दूसरे के विपरीत ही काम करेंगे, कभी भी एक जैसे फंक्शन नहीं करते। इधर वाली काम कर रही है तो इधर वाली नहीं करेगी, फिर अगले महीने ये करेगी तो फिर ये नहीं करेगी। हमेशा जो फंक्शन जो हो रहा है ना, अल्टरनेट फंक्शन, अल्टरनेट का मतलब यही होता है, कभी ये कभी ये, हमेशा एक दूसरे की तरफ ओवरी काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपका वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मुझे इसमें पढ़ाना है ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन कैसे होता है, सेक्स रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब यार ज़रूर कर लो। आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, इंस्टा आईडी दी हुई है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दो, जैसे नोट्स होंगे मैं सेंड कर दूंगा। सब लोग बोलते सर अभी नोट दो, अभी नोट्स दो, भैया मैं रेडी करूँगा फिर आपको मैं सेंड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।